नए प्रदेश अध्यक्ष जी से क्या उम्मीदें हैं आपकी? बहुत सारी उम्मीदें हम सबों की है। माननीय श्री लालू प्रसाद जी के द्वारा बनाया गया है उनको, और सामाजिक न्याय में, सामाजिक न्याय में हर कास्ट, हर जाति, हर समाज के तबके के लोगों को जोड़ने की बात है। और जहाँ तक सवाल है, हम प्रगतिशील लोगों को भी हम जोड़ते हैं, जो कि हमारी सोशल जस्टिस के पुरोधा हैं। माननीय श्री लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, उनकी नीति में, उनके सिद्धांत के साथ जो लोग चलने वाले हैं। मैम, ये पुराने प्रदेश अध्यक्ष जी जो अभी अभी हो चुके हैं, पूर्वे जी के बारे में कुछ बातें आ रही है कि तेज प्रताप से उनका बनता नहीं था, वो बयान भी करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आदमी पद पर रहता है, घर में जब है आदमी, तो घर में तो बहुत तरह की बातें होती है। हमने भी आज अपने भाषण में कहा था कि हम लोग भी कुछ बोल देते हैं तो हम लोग क्षमा चाहेंगे। लेकिन जो आदमी हमारे पूर्व हैं, पूर्व के हमारे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष लोग थे, आज तक पार्टी की कमान को, उनके नेतृत्व को, माननीय लालू प्रसाद जी की नीति को लेकर के चलने का काम किया। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो नए नवनिर्वाचित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भी समाज के अंतिम पायदान में बैठने वाले लोगों को भी लेकर के चलने का। मैम, आज आपको मंच से बोलने के वक्त आप एकदम पूरा प्रखर हो गई थी, पूरा एकदम, क्यों रोका जा रहा था आधी आबादी को? अन्य आधी आबादी को रोकने का किसी को ताकत नहीं है, किसी को ताकत नहीं है, इसलिए गुस्सा हो गई? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, अपने हक की बात करती हूँ। और हक के लिए कोई भी कहीं भी कुछ बोल सकता है। समय के अभाव में वो हमारा, हमसे क्षमा चाहते थे, लेकिन मैंने इसको एक्सक्यूज नहीं किया। मगर आप भीड़ गई थी मन से, अभी भी तेवर पूरा। हम लोग जो है ना, पार्टी के निचले तबके से संगठन से जुड़ कर रहा है, तो संगठन की बात को रखने के लिए हम बेबाक बोलने के लिए हमारी स्वतंत्रता है। अभी बात कर रहे थे कांति सिंह जी से और कई, मगर मैम आरजेडी रंग नहीं दिखा पाती है मेन चुनाव में, ये उपचुनाव में तो दिखा दी थी, लगता है कार्यकर्ता विश्वास नहीं करती। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप अगर देखिएगा तो सामाजिक न्याय के, अगर बिहार में नहीं पूरे देश में अगर कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, वो लालू प्रसाद यादव जी। मैम, इस लोकसभा में पहली बार देखा गया कि लालू प्रसाद का ताकत एकदम निरस हो गया। इसको निरस नहीं कहिएगा, समाप्त नहीं, ये समाप्त भी नहीं हुआ है। ये उतार चढ़ाव तो हम लोगों को देखने का आदी है। हमारे जो गरीब तबके के लोगों को पैसा दे दे करके लोग खरीद लेता है, लोग वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं जानता है कि आज हमारी आर्थिक स्थिति डवाडोल हो चुकी है, हमारा जीडीपी धीरे कहाँ से कहाँ चला जा रहा है। उस बेचारे जो गरीब है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उसका आपकी जीडीपी से कोई लेना देना नहीं। आज एकदम सवाब में बोल रही थी, आधी आबादी पर भी बोल रही थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद। गगन चित्रंजन गगन जी, ना जाने क्यों हम आधी आबादी के साथ इनको छेड़खानी करने का बहुत ही मन करते रहता है। इसलिए मैं कहूंगी कि इस बात को आप ध्यान रखिए कि कभी भी इस तरह की भावना मन में मत रखिएगा, नहीं तो 50%, जबकि हम लोगों को आरक्षण ऐसे भी मिला हुआ है, तो पार्टी में भी हक लेकर के रहेंगे। और अपने नए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी को इस कामना के साथ बधाई दूंगी कि आप हमारे शाहबाद एरिया से भी आते हैं। जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ताओं की जो सोच है, जो कार्यकर्ता काम करने वाला है, जो आपका रीढ़ बन करके आपको सहयोग करता है, उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ऊपर ऊपर आते हैं जो पीने वाले हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर काम करता है, हम तमाम लोगों के पास आकर के बात अपनी कह नहीं पाता है, तो उसके ये दुखती रख पर आप मरहम लगाने का काम करेंगे, उनको आप साथ लेकर चलेंगे, उनकी बातों को भी सुनेंगे। इस उम्मीद और कामनाओं के साथ जहाँ एक प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकारें चल रही है और जिन हालातों में चल रही है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। यहाँ की सरकार में आए दिनों सुशासन का नाम लिया जाता है, लेकिन महिलाओं के साथ आज भी बलात्कार हो रहा है। कैमूर के भी जिले में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, दरिद्री के साथ उसके साथ उसका वीडियो बनाया गया, और यही प्रदेश का राजा बैठ करके सुशासन की बात कर रहा है। जैसे न्याय व्यवस्था चरमरा गई है, ऐसे हालात में हम लोगों को, सभी वर्गों को लेकर के चलना पड़ेगा। और जहां जहां अत्याचार होगा, उन अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए आपका नेतृत्व हम लोगों के एक सफल मार्गदर्शक का रूप काम करेगा। इन्हीं सब बातों को कहते हुए आज के दिन